मौजूद लोग कहते हैं ये आत्महत्या करके आया है, ये तो बड़ा बुरा है, बड़ा जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है, और इसने तो अपने कुल कुटुंब को कलंकित किया है, ये बड़ा कामचोर है, इसे कोई कार्य करना नहीं आता होगा, बड़ा हीन है रहा होगा, इसे कोई सम्मान नहीं देता होगा, इसलिए इसने आत्महत्या की है। उस विद्यार्थी ने पुस्तक बंद कर दी, बोला हद हो गई, अब हम आत्महत्या करके वहां जा रहे हैं, वहां भी हमारी बेइज्जती होगी। उसने कहा अब मैं मरता नहीं हूं। उसने पुस्तक बंद की और प्रधानाचार्य के कक्ष से बाहर निकल गया। तो उपदेश, एक छोटा सा उपदेश उसके जीवन की रक्षा कर गया। उपदेश बड़े आनंद करा देता है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह जामवती से इसलिए हो गया था क्योंकि वो एक परंपरा का पालन करते थे उनके पिता, कि जो वस्तु बेटी को दे दी उसे मैं वापस नहीं लूंगा। तो जब कृष्ण मणि मांगने आए तो उन्होंने कहा बेटी भी ले जाओ और मणि भी ले जाओ। उपदेश, कहां तक उपदेश आपको लेके चलता है कि जामवान के बेटी का विवाह भगवान से हुआ, एक उपदेश। तो ये कथा उपदेशात्मक है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शिव जो सिंधु हैं, जो सिंधु हैं, शंभु गए ऋषि कुंभज माही। एक बार भगवान शिव कैलाश से उतर के आ रहे थे तो कोई विद्वान उन्हें मिल गए कि कहां जा रहे हैं आप तो वहां से उतरते नहीं, किसी पर कृपा करने के लिए ही आज कहां जा रहे हैं। तो बोले मैं कुंभज ऋषि के पास जा रहा हूं। तो बोले आप तो सिंधु हैं, कुंभज के पास क्या करेंगे जाकर, कुंभज आपको क्या दे सकता है, ये घट आपको क्या दे सकता है, आप तो समुद्र हैं, विशाल ज्ञान है आपके पास, विशाल अनुभव है आपके पास। भगवान शिव ने भाव बताया कि कुंभज केवल घट नहीं है, कुंभज कोई घड़ा नहीं है, वो अगस्त है जो पूरे सागर को पी जाता है एक घूट में, वो ऐसे संत है। और कृष्ण रूपी सागर तो घट में ही समा सकता है, और घट का पुत्र है भाव, और भाव में नारायण रहते हैं। ऐसा भाव लेके शिव कुंभज ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। शंभु गए ऋषि कुंभज माही, संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव तो जा रहे हैं लेकिन संग सती जग जननी भवानी, साथ में भवानी भी है। लेकिन यहां शिव को तो सीधा कह दिया है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि कुंभज माही, शंभु तो सीधा सीधा कह दिया है, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन भवानी के आगे सती जग जननी ऐसे विशेषण लगाए। भगवान शिव जब कुंभज के पास पहुंचे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो कुंभज ने भगवान को ईश्वर मान के पूजा। लेकिन जब वो उन्हें पूजने लगे तो सती को लगा कि ये बहुत छोटे हैं हमसे, इसलिए हमें प्रणाम कर रहे हैं, अन्यथा तो हम इन्हें प्रणाम करते, ये हमें क्यों प्रणाम करते, जो बड़ा होता है उसी को तो सब प्रणाम करते हैं। कई बार प्रणाम का मतलब ऐसा समझ लेते हैं। तो वहां फिर सती के हाथ भी कहां कुछ लगा, सुन महेश परम सुख पानी, राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुन महेश परम सुख पानी। यह महेश शब्द तो है, सती नहीं है। तो जो ये भाव लेके गया
यदि वक्ता श्रोता में ईश्वर का भाव लेके सुनाएगा तभी वो असल में कथा पहुंचा पाएगा, नहीं तो केवल शब्द जाएंगे, अमृत बीस में घट जाएगा। और यदि श्रोता वक्ता को ईश्वर मान के सुन रहा है तो वो वहां से दी हुई अमृत को पूरा पूरा ग्रहण परख कर पाएगा। राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुन महेश परम सुख पानी। भगवान इस भाव से गए कि मुनि उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो कथा का आनंद आया। और सती इस भाव से गई कि मैं बहुत बड़ी हूं और ये हमें प्रणाम कर रहा है, छोटा है, तो उसे कुछ हाथ नहीं दिया, रीते हाथ वापस आ गई सती। उसमें बहुत ज्यादा हाथ पल्ले कुछ पड़ा नहीं। और यही बात धुंधकारी जी की कथा में विष्णु पार्षदों से जब पूछा गया, गोकर्ण महाराज ने पूछा कि कथा तो हम सबने सुनी है, केवल धुंधकारी का उद्धार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कथा तो आप सबने सुनी है लेकिन आपने सिर्फ कान तक पहुंची है, हृदय तक नहीं पहुंची। और धुंधकारी ने इसे आत्मसात किया है, कथा में नया कुछ भी नहीं है, जो कहानियां हैं, जो वृतांत हैं, जो चर्चाएं, उसमें से एक एक आपको मालूम है। कथा केवल आपको एक दृष्टि देती है, एक दृष्टि कि जो दिख रहा है वो नारायण है और जो नहीं दिख रहा है वो भी नारायण है। और जैसे ये भाव आया, अगले क्षण तो नारायण आपके सामने होंगे, वो आने को तैयार खड़ा है, लेकिन भाव के भूखे हैं भगवान। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प तरु कहा है इसे, कल्प तरु। भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण है ये तो हम सब जानते हैं, स्वयं श्री कृष्ण है भागवत जी, और भगवान जिसे चाहे उसे क्या नहीं दे सकते। तो कल्प तरु भी तो छोटा शब्द कहा है, ये तो स्वयं भगवान है। निगम कल्प तरोर गलितम तो थोड़ा छोटा है इनके लिए, क्योंकि भगवतः अयम, ये तो स्वयं कृष्ण है। और यहां भक्त जिस भाव से आता है वो प्राप्त कर लेता है। जैसे नारद और वेदव्यास अर्थ के लिए कथा सुन रहे हैं कि भक्ति के पुत्र जीवित हो जाएं, युवा हो जाएं, ज्ञान और वैराग्य, तो कथा के प्रारंभ में ही दोनों युवा हो गए थे। सूत और शौनक संवाद कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो कथा के प्रारंभ में ही, चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही सब तृप्त हो गए, सबका अनुष्ठान पूर्ण हो गया था। यहां अर्जुन और द्रौपदी जैसे भी भक्त हैं जिन्होंने ईश्वर से जो चाहा वो मिला था। गोकर्ण और धुंधकारी मुक्ति के लिए कथा कर रहे हैं तो वो मुक्त हो गए थे, मुक्त हो गए थे, जिसने जो चाहा उसे वो मिला, क्योंकि ये ज्ञान महाविष्णु ने ब्रह्मा को दिया था, तो ब्रह्मा प्रदीप्त हो गए थे।